नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। योगिनी पूजनम एवं साधना। दोस्तों, आपने अष्ट या 64 योगिनियों के बारे में सुना होगा। कुछ लोग तो इनके बारे में जानते भी होंगे। दरअसल ये सभी आदिशक्ति माँ काली का अवतार है। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियाँ हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्य शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। 64 योगिनियों में भारत में 4 प्रमुख मंदिर है, 2 ओडिशा में तथा 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना रिठोरा कला में ग्राम पंचायत मितावली में है। इसे इकंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब 64 योगिनियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस प्रकार है। बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्री, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नवस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कावेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, विकदान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पशा, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिणी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, घुमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। चतुष्ट योगिनियों का आवाहन मंत्र अग्नि कोण में चतुष्षष्टी योगिनी का आवाहन करें। आवाहयाम्यहं देवी योगिनी परमेश्वरीं, योगाभ्यासेन संतुष्टा परध्यान समवितं, दिव्य कुंडल संकाशा, दिव्य ज्वाला त्रिलोचना, मूर्तिमतीर्ह्यामूर्ता च उग्रा चेवोग्ररूपिणी, अनेक भाव संयुक्ता संसारावरण तारिणी, यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेया यच्छन्तु मातर। इस प्रकार आवाहन करें। अब गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, लाल फूल आदि से पूजन करें। ओम चतुष्टभिः योगिनीभ्यो नमः, गंधम समर्पयामि, चंदन आदि गंध चढ़ाएं। ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, अक्षतः समर्पयामि, ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, पुष्पा समर्पयामि, ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, धूपम अघ्रापयामि, ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः, दीपम समर्पयामि, ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः,
नैवेद्य समर्पयामि। ओम चतुष्षष्टि योगिनिभ्यो नमः। आचमनि जल समर्पयामि। ओम चतुष्षष्टि योगिनिभ्यो नमः। ऋतु फलानि समर्पयामि। ओम चतुष्षष्टि योगिनिभ्यो नमः। तंबूलामं समर्पयामि। अब निम्न योगिनी मंत्र का 21 जप करें। ऐसा नित्य कर्म में शामिल कर 41 दिन करें और बलि देकर योगिनियों को संतुष्ट करें। बलि के लिए एक पीपल के पत्ते पर दही, उड़द, काली दाल, अक्षत और घी की बत्ती जगाकर बलि मंत्र से बलि अर्पण करें। ऐसा करने से योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह एक आसान और सरल विधान है। चतुष्ट योगिनी मंत्र। आवाह्याम्यहं देवी योगिनी परमेश्वरीं योगाभ्यासेन संतुष्टा परध्यान समन्विता दिव्य कुंडल संकाशा दिव्य ज्वाला त्रिलोचना मूर्तिमती ह्या मूर्ता च उग्रा चैवोग्ररूपिणी अनेक भाव संयुक्ता संसारावरणतारिणी यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेया यच्छन्तु मातरः। दिव्ययोगी महायोगी सिद्धयोगी गणेश्वरी प्रेताशी डाकिनी काली कालरात्रि निशाचरी हुंकारी सिद्ध बेताली खरपरी भूतगामिनी ऊर्ध्वकेशी रूपाक्षी शुष्कांगी मांसभोजिनी फुत्कारी वीरभद्राक्षी धूम्राक्षी कलहप्रिया रक्ता च घोर रक्ताक्षी विरूपाक्षी भयंकरी चोरिका मारिका चंडी वाराही मुंडधारिणी भैरवी चक्रणी क्रोधा दुर्मुखी प्रेतवासिनी कलाक्षी मोहिनी चक्री कंकाली भुवनेश्वरी कुंडला तालकुमारी यमदूती करालिनी कौशिकी यक्षिणी यक्षी कौमारी यंत्रवाहिनी दुर्घटे विकटे घोरे कंपाले विश्वलंघने चतुष्षष्टि स्माख्याता योगिन्यो हि वरप्रदा त्रिलोक्य पूजितः नित्यं देवमानुष योगिभिः। इस प्रकार स्तोत्र पठन और मंत्र जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आठ योगिनियों के 8 चमत्कारी मंत्र सभी कामनाएं करते हैं पूर्ण। दोस्तों, योगिनियों की सिद्धि के बारे में केवल एक बात ही उनकी महत्ता दर्शाती है कि धनपति कुबेर उनकी कृपा से ही धनाधिपति हुए थे। इनको प्रसन्न करने से राज्य तक प्राप्त किया जा सकता है। ये भी मुख्यतः 8 होती है तथा माँ, बहन तथा भार्या के रूप में सर्वस्व देती है। इनकी साधना सावधानी भी मांगती है। पत्नी के रूप में साधना करने से अपनी पत्नी का सुख नहीं रहता है। अतिरेक करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये योगिनियां निम्नलिखित है। सुर सुंदरी योगिनी, अत्यंत सुंदर शरीर सौष्ठव, अत्यंत दर्शनीय होता है।
एक मास तक साधना की जाती है, प्रसन्न होने पर सामने आती है तथा माता बहन या पत्नी कहकर संबोधन करें, राज्य स्वर्ण दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्याएं तक लाकर देती है, सभी कामनाएं पूर्ण करती है। अन्य स्त्रियों पर आसक्त साधक को समूल नष्ट करती है। ये साधना शुक्रवार के दिन रात 11 बजे से शुरू कर सकते हैं। एक बाजूट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर योगिनी का चित्र रखें, फिर उसके बाद एक दीपक जलाकर फूल फल रखकर उसकी पूजा करें, फिर अंतर्मन से योगिनी का आवाहन करें। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम रिं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। ये साधना गुरु के सानिध्य में ही करें तो अच्छा है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।